राजधानी दिल्ली के नागलोई भीमनगर सब्जी मंडी में जगह जगह कूड़े का जमावड़ा लगा रहने से दुकानदारों के साथ ग्राहकों को भी परेशानी हो रही है, परंतु इस समस्या की तरफ स्थानीय प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा। आप देख सकते हैं ये नज़ारा मंडी के भीतर का है, जहां दुकानों के सामने कूड़े के ढेर नजर आ रहे हैं। आमतौर पर दिल्ली की सभी सब्जी मंडियों में रोजाना सफाई होती है, परंतु भीमनगर सब्जी मंडी की स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तरफ जहाँ कूड़ा फैलने से दुकानदार परेशान है, तो दूसरी तरफ ग्राहकों का भी यही हाल है। दुकानदारों के अनुसार एमसीडी द्वारा हफ्ते में केवल एक बार मंडी में कूड़ा उठवाया जाता है और यही वजह है कि मंडी का वातावरण लगातार दूषित हो रहा है। इस वजह से ग्राहक मंडी में आने की बजाय बाहर से सब्जियों की खरीदारी कर लौट जाते हैं। कूड़े पे तो ये है कि एमसीडी, आपको पता है पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी सेक्शन है ही नहीं जो मतलब वो कर सके कूड़ा साफ। और दूसरी बात यह है कि नागलोई विधानसभा की सबसे फेमस मंडी है ये, और इस मंडी के अंदर ही लाखों लोगों का आना जाना होता है। उसके बाद यहाँ से निगम पार्षद हैं विनय रावत जी, जो भाजपा के हैं, जिनकी नीति यही है कि सिर्फ चुनाव के टाइम ही लोगों के बीच में जाना है या फिर उनके काम करने हैं, मेरे वो भी काम कर रहे हैं ना के बराबर। यहाँ आप खुद देख सकते हो मंडी की हालत कितने, पूरे एक हफ्ते लग जाता है, गाड़ियाँ नहीं आती हैं, सफाई नहीं होती, बहुत बुरा हाल है यहाँ। यहाँ आप देख रहे हो कि एक बहुत बड़ी मंडी है यहाँ पर, और मंडी में अक्सर देखा जाता है कि कूड़ा लग जाता है और कूड़े को उठाया भी जाता है, लेकिन हमारे मंडी में ऐसा होता है कि हफ्ते हफ्ते भर कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है, लेकिन कूड़ा यहाँ से उठाया नहीं जाता है। जैसे कि इधर कभी कभार दुकानदार सबके थोड़ी सब्जियों की बच जाती है तो सब्जियाँ इधर फैल दी जाती है, वही सब्जी इधर आकर के सड़ जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने के चलते इधर लोग बाग जो आते हैं उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में कई बार स्थानीय विधायक को सूचित किया गया और साथ ही उनसे मुलाकात करने की भी कोशिश की गई, परंतु अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है, जिसका खामियाजा मंडी के दुकानदार और यहाँ खरीदारी करने आने वाले ग्राहक भुगत रहे हैं।